रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग मुंबईकर, आज सुबह एक बार फिर है आपके साथ इस सुहानी मॉर्निंग में, जहां लगता है आज बारिश की बूंदें गिरेंगी, तो इसीलिए ला रही हूँ अगला गाना। रेन्स, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स और मुंबई की रेन्स की एक बात कॉमन है, दैट वो दोनों कभी भी किसी भी टाइम आ जाती हैं। आई रिमेम्बर दैट नाइट, दैट रेनी नाइट। Said that after a rainy day there is always a rainbow waiting. I guess मैं अपनी लाइफ में उस रेनबो का अभी तक वेट कर रही हूँ। Thank God it's Sunday. At least इन फेक लोगों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। Hey guys, go check out Fabgos. It has fab pizza. Don't forget to check out Fabgos. All right? Fabgo, Fabgo, whatever it is. What is that even, man? It's money, darling. तू ना बिल्कुल पागल है। So listen, when a pretty girl says, "Oh, I'm lost, please help me," आधे लड़के ना ऐसे कूद जाते सुपरमैन की तरह। It's working for me. Exactly. और तूने ऐसे ये dumb होने की acting करते और actual dumb fucks तुझे follow करते। My fortune rides on this cute dumb face, यार। Sure. अच्छा हाँ, one second. Listen. आज तेरा birthday है। वो ऐसा big bad stupid सा वो मत रखना। एकदम chill scene रखते हैं। एकदम PJs में chicken wings. Oh my god, lovely. What a plan, no? We're gonna have this get together, a small one. हमारे friends होंगे, just our people at my house, okay? Shit. What? Since it's going to be at my house, yeah. My dad is gonna shove that kajal under my throat, man. Puneet, she's not the villain of your life. नहीं, literally, मतलब zero से भी कम लोग हैं जो हमारी fancy life का हिस्सा नहीं बनना चाहते. You know, rarely people stand out, and she is that. Again, you're defending her? That being said, I'm your best friend, so of course, I'm on your side. So chill. And how is this supposed to be my side? Huh? See, you really need to chill because I don't think she's even gonna come. अपनी जेब से भर रहा है? नहीं सर, मैं कहाँ से? तो गिन क्या रहे भाई चिंदी? जिसने दिए पूरे दिए होंगे। अच्छा, तेरी मैडम ने उस कॉलेज वाले लड़के की जमानत के लिए भेजा है। थाम। थैंक यू सर। सॉरी सर। साला हाथ चलता नहीं, कांड करेंगे। बहुत शाना है। कहाँ सर? पुनीत पे नजर रख। एक मिनट, आप इसकी बात कर रहे हो ना सर? या वो जिसके घर पे आप? वो पुनीत? लेकिन सर कांड हो गया, जांच हो गई, राउंडर ने तो कबूल भी कर लिया और अब तो बेल भी हो गई, फिर भी उस पर नजर? कामले, वर्दी पहन के चुप जैसी बात मत किया कर साहब। इसने उस लड़की को बचाया वो जो हमें मराठी में हैकिंग सिखा रही थी, तो उसके लिए ये क्यों अपनी जान आफत में डालेगा? इनको कमिश्नर मेरे बंबू करेगा, तू मेरे लिए खड़ा होगा? आए शपथ सर। काजल ने पुनीत का नाम दिया और आलिया ने पुनीत को बचाने के लिए इस बकरे को हलाल किया। तुझे ये पता लगा कि पुनीत की काजल के साथ क्या दुश्मनी है? आलिया पूछ रही थी मेरे बारे में, वरीड होगी ना, आई जस्ट नो इट। आलिया, हाय आलिया, हाउ स्वीट ऑफ यू यार, इतनी जल्दी बेल करवा दी तुमने। अरे स्वीटी पाई तो तुम हो, और तुम्हारे बिना हम पुनीत का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? उसके घर पे पार्टी है, प्लीज कम। आई विल सी यू। Thank you so much. Okay, bye. Take care. ये ले। यार कच कच है। मुझे लगता है कि इस लड़की के आसपास हर कोई किसी ना किसी क्राइम से जुड़ा है। थाम। सर अब ठीक है ना? Biker boys. My
अच्छा मौला, इस हरामी को इतने दिनों से हम ढूंढ रहे, ये खुद ही हमारे पास चल के आया। अपनी आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करा के गया, इसे मोहल्ले से पकड़ेंगे साले को, वहां भी पता चले क्या कांड करता है। क्या हुआ, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? थोड़ा हवा तो ऐसे ही। ये लोग अब दिन में भी। सकीना, दरवाजा खोल, अब्बू अम्मी को बाहर खड़ा रखा है। क्या चिल्ला क्या रहे? तेरे बाप का घर अब। सकीना कैसी हो गई है बेटू, मुंह खुले तो गुए निकलता है, तेरे से बड़ी कमीनी तो कोई हो ही नहीं सकती। हराम खोर निकाह की मिन्नतें कर रहे हैं तेरे से ताकि तेरी अपनी खोली हो सके, पर नहीं, नवाब साहब को तो सपने पूरे करने हैं। सबसे बड़ा खुदगर्ज कमीना तू है, खुद तू। ये क्या रे, नाटक खत्म नहीं होता है क्या? ए, जब अब्बू खोली तेरा नाम कर रहे थे तब तेरे को नाटक नहीं दिखा? ए शाणे, तू ज्यादा बोल मत, समझा ना। ए, उसको क्या बोलते हैं, मेरे से बात करना, खुद की खोली ले और निकल यहाँ से। तेरे को निकाह नहीं करना ना, मत कर, खुद के पैसे कमा, जो करना है अपने घर पे जाके कर। हाँ, ये घर मेरे शोहर का है। इनका रोज का चिकचिक है साहब, बचपन में सही था इन दोनों का, पर पता नहीं अब क्या हो गया। रहीम को फैमिली जोड़ के रखने का है, बहुत प्यार करता है, पर साला उसको कभी प्यार मिला ही नहीं, इसीलिए उसका दिमाग खराब रहता है हमेशा। काय कर रहे साहब, ऐसे दे चल। डू नॉट टेल मी इट इज द 8th टाइम ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट एट माय हाउस, द ड्रिल विल बी द सेम। मॉम, आप ठीक तो? ये सब कोल्ड कॉफी बना रही थी तेरे लिए, लेट नाइट तक जगना है ना तुझे, लेकिन ग्लास ही फिसल गया हाथ से। आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। तू जाएगी ना, मुझे पता है तू जाएगी, गौतम जी के बेटे का बर्थडे है ना, एंड यू विल हैव फन देयर, यू नो। आई रियली फील यू शुड लर्न टू गेट आउट एंड एंजॉय लाइफ मोर। There will be a lot of young people there, और music होगा, like मजा आएगा। अच्छा वो सब छोड़ना, तू इधर। मैं ये ले cold coffee special, मैं हटा के आ रही हूँ। Enjoy, really mama? I guess इनकी dictionary में enjoyment का जो मतलब है, वो definitely मेरी वाली से same नहीं है। Going to Puneet's birthday party will be nothing more than a torture. I wish इनको ये बात समझ आती। तू जाएगी ना? कितना डिफिकल्ट होता है उस जगह जाना जहां नो वन वांट्स यू टू बी अराउंड, और मुझसे पूछो इस सब में कितनी मेहनत लगती है। उन प्रिटेंशियस लोगों के बीच जो हैं तो ग्लास कट, बट दे प्रिटेंड टू बी डायमंड्स। हाँ रहीम, गाड़ी रेडी रखना, मुझे पुनीत के घर जाना है। जी मैडम। वाइब्स, यूनिवर्स में हर किसी चीज़ की वाइब्स होती हैं, जगह की, चीज़ों की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंसानों की वाइब्स होती हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट वाइब्स एम आई गेटिंग यहाँ आके, आई वुड से फेकनेस। सब कुछ नकली है यहाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फेक नील्स टू फेक स्माइल्स। यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, दैट इज़ टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम वन अनदर, जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। This dress suits you. Thanks. Kinda hides my curve. What? You look good. And curve se kisi ko kya problem ho sakti hai? Makes a woman look better. Acha, वैसे बाहर के ना उस साइड स्पाइक ड्रिंक्स रखे, एंड वहाँ जॉइंट स्मोक हो रहा है। But you come with me, I'll get you a glass of unspiked champagne. I kinda don't like champagne, but I'm more of a beer person. So. पहुँच की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो I would have enjoyed one with you. But let's get one for you. Alia, yeah, coming. One beer and one soda with lime. You're not drinking? Too much calories. And also, drinking parties mein sober hone ka maza hi kuch aur hai. Thank you. Cheers. Hey, mom, please, yaar, please. Yaar, see, dad approve nahi kar rahe the budget to. So what? Tumne पैसों के लिए उस लड़की को घर पे बुला लिया? अरे नो यार मॉम, जस्ट अ सिंपल डील, मुझे उसको इनवाइट करना था, मुझे नहीं पता तो एक्चुअली आ जाएगी।
प्लीज नॉट अगेन यार मॉम शिट यार अरे ये क्या तुमने एक सिप भी नहीं पिया अरे पार्टी है यू शुड बी एंजॉयिंग आई मेक यू मीट सम क्यूट बॉयज पर हेड्स अप हां किसी को सीरियसली मत लो स्टूपिड बिहेव करो तो जो चाहे वो करे बट स्मार्ट बनोगी तो भाग जाएगी इट्स अ स्टेप वन ओके यू टू स्मार्ट फॉर योर एज आई मीन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू टेक इट एज वन चले बच्ची एक काम कर तू निकल मुझे याद है तुम मेरा मतलब है कि आप पुनीत की फ्रेंड हो तुम काफी है बेहतर है मैं भी आता हूँ नहीं नहीं वो मिंट वाला गले में मिल नाम क्या रहीम और आपका तुम्हारा रजिया रजिया माँ का मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ You hang with them. मैं अभी आती हूँ. And boys make a feel at home. My God, Rushab. Rushab. Hey, Uni bro. Thanks. I can't believe you're here. तुम seriously London से? Yeah. Uncle के लिए एक दिन बाद आना ही था. नीत का बर्थडे था तो अगेन कैन वी फॉर वंस प्रिटेंड दैट तुम मेरे लिए आए हो आई कांट लाइ आई नो आई कांट लाइ टू यू ईदर मैं ये झूठ नहीं बोल सकती कि मैं इस पार्टी में मजे कर रही हूँ वंस प्रिटेंड तो कर सकती हूँ देखिए लीम हे हे Wait now. Nah, we're done. Puneet ko wish karne aaya tha. Wish kar diya. But you, enjoy the party, okay? Bye. Loners, ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है दो लोगों से ज्यादा अगर कहीं पर भी कोई आ जाए तो जगह अपने आप क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगती है अब मैं और मेरी बियर दो लोग हो गए Hence for me, this place sucks. I wish कोई तो हो Wow. Sorry बोलने की बेसिक कॉन्वर्सेशन से भागने वाला मेरी तरह कोई और भी है शायद मेरी तरह ये भी उन आवाजों से भाग रहा है इमोशन स्विच ऑफ करने का ये भी एक श्योर तरीका है गेटिंग ड्रंक लोगों से जगह से अनइंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड अपने डिसकंफर्ट से बचने का फुल प्रूफ तरीका है गेटिंग ड्रंक हे यू केम इनवाइट किया था तुमने या राइट हैप्पी बर्थडे थैंक यू Yeah, I saw your mom actually. Is everything okay? Yeah, everything's fine. No worry. वैसे तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? काम कर दो, I'll show you, right? Come. Actually, I was just leaving. You know ना, हमारी मॉम यहाँ काम करती थी. It's okay. I'll just show you the office. In dad के basement में, right there. So I'll just show you, right? I. Listen, तुम college में अलग-अलग रहती हो. यहाँ तो कम से कम normal रहो. I know हमारे बीच में थोड़ा सा awkward हो सकता है, लेकिन We can deal like adults, right? Deal with it like adults. Yeah? Come. Welcome. Listen, I still think we should go back. Are you still here? Don't worry. 5 minutes. Why did I give in to my inner voice? ये बंदा second chance deserve नहीं करता. Seriously, I'm in deep shit. But it's your birthday and you're the host, so I think we should just go back out there, right? Oh yeah, actually I'm the host, right?
You recognize this room? My mom ने तो बताया होगा ना? शायद नहीं बताया होगा. ये वही room है जहाँ तुम्हारी mom काम किया करती थी. Yeah, I should say, office खेलती थी. मेरे dad के साथ. Job तो उन्हें secretary की मिली थी. लेकिन gradually पता है ना वो क्या बन गई? Keep. I mean keep calm and enjoy the party. This is that sofa. Now, my mom, my dad, ke saath, you know what? कितना बुरा लगा हुआ ना मेरी मॉम को उन्हीं के घर में उन्हीं के काउच पे. Can you imagine? Yes, I can. I know पुनीत अपना दुख शेयर करने के लिए नहीं बल्कि मुझे एम्बैरेस करने के लिए ये सब कह रहा है. But I can see the pain in his eyes. Hatred obvious है, natural है. कितनी बार हुआ होगा यहाँ पे ना? 20-30 times? 3 साल के एवरेज में इतना तो हुआ ही होगा, right? Yes. हाँ, after that I think थोड़ी शर्म आ गई, इसलिए ऑफिस चेंज कर लिया. Listen, I completely understand your hatred. Yeah? But जरूरी नहीं जो हमें समझता है वो गलत हो. तो इसमें कुछ गलत नहीं है. Your mom spreading her legs wide, इसमें कुछ गलत नहीं है. Just shut up. Shut up what? You bitch! Huh? Shut up what? Kirmura, I'll just leave. You aren't going nowhere, you know. What the f*** are you doing? You're making me unnecessary now. What the f*** are you doing? I'll show you. Put your hands away from me. What the f***? Huh?